तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नेपाल के बारे में बात करने वाले हैं। हिमालय की गोद में बसा छोटा सा देश नेपाल, यहाँ के हसीन नज़ारे हर किसी को मोह लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको नेपाल के कुछ चौंका देने वाली बातें बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया में नेपाल का झंडा ही ऐसा है जो वर्गाकार नहीं है। इसके अलावा सभी देशों के झंडे के चार कोने होते हैं। साउथ एशिया का सबसे पुराना देश नेपाल है और इसमें 123 भाषाएं बोली जाती हैं। नेपाल कभी चरस तंबाकू आदि के लिए बहुत फेमस था, लेकिन अब यहाँ चरस तंबाकू खरीदना, बेचना और इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। नेपाल में हाथ मिलाकर या गले लगकर नहीं बल्कि हाथ तोड़कर अभिवादन करने की परंपरा है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में हाथ मिलाकर या फिर गले लगकर प्रतियोगिता शुरू करने की परंपरा है, बट वहाँ पर कुछ हटके है, वहाँ पर हाथ तोड़कर परंपरा चालू होती है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ की कुल जनसंख्या में से 81.3% हिंदू हैं। नेपाल में भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में ज़बरदस्त श्रद्धा की भावना देखी जा सकती है। महाशिवरात्रि नेपाल का बहुत बड़ा त्यौहार है। पानी इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर है। नेपाल की कई जनजातियों में स्त्रियों के कई सारे पति होते हैं। विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटी में से 8 नेपाल में है। इसमें से 8,848 मीटर की ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है। नेपाल में साप्ताहिक छुट्टी शनिवार को होती है, जैसे कि इंडिया में भी होती है। नेपाल गोरख 1816 में ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बन गया था और आज भी ये ब्रिटिश आर्मी का ही हिस्सा है। भारत के 500 और 1000 के नोट नेपाल में ही नहीं चलते। जी हाँ फ्रेंड, भारत में जो 500 और 1000 के नोट इस्तेमाल होते हैं वो नेपाल में नहीं चलते। बाकी 100, 200, 20, 10, 50 ये सभी नोट नेपाल में चल जाते हैं। नेपाल का सबसे फेमस फास्ट फूड मोमो है, जो कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इतना आज के लिए, कृष्णा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन को। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।